चिंग पे कितने साल से था? जोर से बोल। 2 साल से। कितने साल से? 2 साल से। अच्छा, इसको क्या परेशान कर रहा था तू बच्ची को? ये इसको चैन से नहीं रहने देता। जोर से बोल। चैन से रहने नहीं देता था इसको। और क्या करता था तू इसको? हाँ, और क्या क्या तकलीफ देता था? बहुत सारा तकलीफ। क्या देता था? अच्छा, बच्ची कोई भी काम काम पर जा रही तो उसको जॉब से कौन निकाल दे रहा था हर जगह से? मैं निकालता था इसको। कौन? मैं निकालता था। क्यों? तुझे अच्छा नहीं लगता था उन्हें जॉब कर रही तो? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मेरे को। और तू इसको क्या करने वाला है? मारने वाला है तो कब मारने वाला है? मास में, पूनम में? पूनम में मार देगा इसको। हाँ, कब? जोर से बोल। पूनम में मार देगा। कैसा मारने वाला था? बीमारी डाल के, एक्सीडेंट करके? कैसा बीमारी से इसको मार देंगे था। अच्छा, कौन सी बीमारी पे डाल रहा था? इसको सीना डाल रहा था। अच्छा, इसकी छाती में तकलीफ करा रहा था, सीने में? और उसका दिल को ब्लॉक करके मारने वाला था क्या? और इसके साथ साथ में और क्या तकलीफ दे रहा था तू उसको? किसी का साथ बात कर तो गुस्सा। अच्छा, किसी के साथ बात करी तो गुस्से में ला रहा था उसको। और उसका रिश्ता क्यों नहीं जमने दे रहा था तू? उसका शादी क्यों नहीं होने दे रहा था बच्ची का? वो इसको मैं ले जाने वाला था। इसको मैं ले जाने वाला था। जरा जोर से बोल। इसको मैं ले जाने वाला था, इसीलिए किसी का साथ शादी होने नहीं दे रहा। और इसके घर में किस किस को परेशान कर रहा? माँ, बहना, बाप को? इसका माँ को कर रही थी। क्या करता इसके माँ को? बिल्कुल ऐसे सीना दर्द होता है उसको। अच्छा, सेम बीमारी करके वो कर रहा, उसको भी मार रहा था। पहले किसको मारने वाला था? बच्ची को, इसके माँ को? बच्ची को मार दिया। ये बच्ची का नेम क्या है? पार्वती। हाँ। पार्वती की माँ को पहले मारने वाला था, पार्वती को पहले मारने वाला था? पहले पार्वती को मारेगा। हाँ, फिर उसका बाद में। पार्वती को कब मारने वाला था? पूनम ने मार दिया। कितना टाइम बचा था? मौका देखकर मारने वाला है क्या? इससे पहले तू किसी के पास हाजिर हुआ? हाँ, देखा ना यहाँ कितनी ताकत है, यहाँ अल्लाह कलाम की ताकत है। कैसे लाए थे को पकड़ के सामने? नहीं छोड़ते तो नहीं थे। जकड़ के रखो उसको और तेज जकड़ लो उसको। छोड़ेंगे कैसा तू? तू लोगों की जाना ले रहा। अभी तक कितने बच्चों को मारा ऐसा? कितने मारा? चार को। उनके नाम? चार बच्चों को मारा। अभी पांचवा इसका नंबर है। क्या करता तू मार के बच्चों के साथ में शादी करके ले जाके रहता उनको? गलत है ना, तेरी दुनिया नहीं है, इंसानों की दुनिया। इंसानों की दुनिया में क्या कर रहा तू? काट दूंगा तुझे मैं, फिर काट के तेरी मुंडी बाहर टांग दूंगा तो कैसा होगा? इंसानों की दुनिया में आके इंसानों को मार के ले जाता, जुल्म करता इंसानों पे, गलत बात है ना ये। उम्र कितनी है तेरी? 100 साल, 200, 1000, 500, कितने साल का है? 100 साल का है। गलत है ना ऐसा? मार के तेरी आजादी छीन लिया मैंने, कैद कर दिया तेरी बाटल में तो कैसा होगा? कम बखत नाला है वो, उसके आंग में कोई शय है। अभी इस जिन्नात को उसने बच्ची की वो बोल रहा कि इसका कुछ काम नहीं बनने देता था इसको, कहीं पे भी नौकरी पे ऐसा उसके आंग में का बता रहा हूँ। अभी क्या कहीं पे भी गई वो बच्ची जॉब को तो जॉब नहीं लगने देता था, निकाल देता था। उसके बाद में किरकिरियां करने लगाता था दोस्तों के साथ में, झगड़े कराता था करते, रिश्ता जमने नहीं देता था, ये सब बोल रहा। और पूनम में मारने वाला था, सारे बात करता। कहाँ से मिली थी तेरे को ये? कहाँ से आया था तू इसके ऊपर? बोल। इसका घर का बाजू। कहाँ से? इसका घर का बाजू। इसका घर कहाँ पर है? कौन सा गांव? गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। स्टेट कौन सा है वो? चुंगाजान है इसका गांव। कौन सा? चुंगाजान। आसाम स्टेट। हाँ जी। तुझे तू शमशान से आया था, खबरस्तान से आया था? शमशान से। कहाँ से? शमशान से। शमशान से। वो ही गांव का शमशान था, दूसरे गांव का था? उसी गांव का था। अच्छा, बच्ची कहाँ मिली तुझे?
और बच्ची पर क्यों आगा तू वजह? हाँ अच्छी लगने लगी इसलिए तू उसके आंग में चलेगा। वाह रे वाह, बाप का तेरे राज है क्या? कम बखत किसके भी बच्चे अच्छे दिखते आंग में चले जाता। मनमाने चल रहे तेरे, डाल दू तुझे जमीन में, मैं भी बताऊ फिर मनमानी करके बाटल में डाल के गाड़ दू जमीन में। बोल नहीं तेरा कहा भरोसा, फिर आएगा उसकी फिर जान ले लेगा तू, तो क्या भरोसा तेरा? नहीं भरोसा नहीं ना तेरा, मार देना उसको कभी तो तू, इसलिए अब हम भी तेरे को अमल करके खत्म करा देंगे पूरा। फिर तोबा तोबा कर, चल जल्दी उड़ा दोनों हाथ ऊपर, तोबा तोबा कर, दोनों हाथ उठा के मुंह पे मार खुद के, दोबारा गलती करना नहीं ऐसी। हाँ उठा हाथ दोनों ऊपर, तोबा तोबा, मुंह पे मार वो दोनों हाथ, मार खुद के मुंह पर, तोबा बोल। हाँ जोर से, जोर से एक आवाज लगा के बता, शैतानी ताकत है तो शैतानी ताकत की आवाज लगा के बता कितनी तेरी। तो हाँ जोर से तोबा, और जोर से तोबा, जोर से तोबा, बोल जबान से, बोल जबान से तोबा, तोबा बोल, तोबा तोबा। ये बच्ची के बाल कपड़ा लेके गए थे जिन्होंने जादू चलाने, उन्होंने कहाँ गाड़े थे इसका कपड़ा बाल? शमशान में, कब्रस्तान में? हाँ कपड़ा ज्यादा चुरी होता, कहाँ गाड़े? शमशान में गाड़ा, शमशान में गाड़े। कितना टाइम होगा गाड़ कर? एक साल हो गया। उसका गुड़िया बना के गाड़े कि कैसा गाड़े? पढ़ के गाड़ दिए। अच्छा औरत लिख गई थी, आदमी लिख गया था वो? और ये बच्ची को किस चीज में लाकर खिलाए थे? दवाई क्या था वो? पानी। क्या था? पानी था, पानी मिलाकर। कौन पिलाया, औरत ने आदमी ने? औरत ने पिलाया। क्या नाम था उसका? कौन है वो इस रिश्ते में? जल्दी बोल कौन होती इसकी सहेली है, रिश्तेदार है, कौन है? बाप की तरफ की, माँ की तरफ की है, कौन है वो? उसकी भाभी। अच्छा अभी है, चली गई वो? इसकी उसकी क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी कुछ भी नहीं। हाँ बस छोटी छोटी बात में झगड़ी होती। झगड़े की वजह से पार्वती को जान से मारने का कर दी। एक दूसरे को देखने से बहुत गुस्सा आता। नफरत पैदा कर दिया। اللهم اللهم فعت الصورات والله العالم الغبشتنا الرحمن الرحيم اللهم إني أحد إليك في هذه الحياة من يرضى إلا أنت واحد لا شريك لك أشهد أن محمدا عبدك ورسولك وعلى ذلك إن الله نفسك وعينك ذلك إن الله نفسك بخور من الشنطة وإن لا ذلك الله ورحمتك فاجئا عندك أحد توفي الدنيا وخلق إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد। झगड़ लो उसको और तेज से, बस अंदर नहीं आते बगैर इजाजत, चलो बाहर जाओ। झगड़ के रखो इसको और तेज से नालायक को, और सारे जादू टोने को खत्म करो, मार मार के भस्म कराओ। चलो अब तू जा, वो सब चीजें हम निकाल के अमल के जोर से जला देंगे, वो बच्ची को परेशान करना नहीं दोबारा। अगर मेरे को दोबारा दिखेगा तो फिर इतना मारने लगूंगा तुझे कि तुझे मार मार के भस्म करा दूंगा पूरा। अभी देख लिया ना, चल निकाल बाहर। तेको जो दवा गुला रही उसके अंदर बिठा रही उसको भी मैं निकाल के फेंकता अमल करा के, तू निकल जा यहां से। देखो एक मौका दे रहा हूँ, दोबारा अगर दिखेगा फिर मेरा जलाल भी देखेगा तो कम बखत कहर नाजिल होगा तेरे ऊपर। हक बाहर।
अरे पार्वती लो पानी पे। क्या हुआ अभी कुछ तो सवाल जवाब याद है क्या? हेलो अरे क्या होगा था वो कौन है वो याद आगा कौन है वो? अच्छा क्या हुआ था कुछ सवाल जवाब तो याद है क्या? कुछ भी नहीं तो भी तुम्हारे आंग में आया था और आकर सवाल जवाब किया उसने और उसमें सब रिगार्डिंग देख लो वो कुछ बोल रहा था क्या क्या झगड़े लफड़े कुछ हुए थे उसका बदला लेने कर रहे थे कोई जॉब करने नहीं देता था ऐसा उसने बोला कौन से भी जॉब पे जाते थे तो बोलते वहां से निकालने लगा देता था और झगड़े लगाता था किरकिर यहाँ क्या 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 बयान करा उसने सब देखो और खैर निकाल तो वो कुछ कपड़ा वपड़ा लेकर जाकर जादू कर रहे थे कुछ पानी वानी मिलाकर उन्हें बताया उसमें है रिकॉर्डिंग भी सुन लो ये तो सुन रहे थे बैठ कर क्या क्या हो रहा था दास्तान को और उसने कुछ बातें और भी बताया एक्स्ट्रा में। ठीक है चलो याद तो आ गया सब ये कौन है कहाँ से आए थे आप? अच्छा क्या करते आपका? अच्छा सर ठीक है चलो रो इधर नंबर क्यों वो खैर वो जो भी है दास्तान उसने बयान किया और इससे पहले तो कभी वो कहीं हाजिर नहीं हुआ था बोलते यहाँ पर बराबर हाजिर हुआ और यहाँ पर कितनी बार में हाजिर हुआ पहली दूसरी तीसरी चक्कर में जोर से पहली बार में हाजिर होगा सवाल जवाब अब ऐसा रहता सबका अलग अलग रहता अब इनका पहली बार में हाजिर होगा सवाल जवाब हो गए सब बातें हो गए उनसे बयान कर मगर मुझे सारी दास्तान मालूम थी कहाँ से कैसा ला के लगा मेरे मुंह से मैं बयान नहीं करता मैं पूछा था पकड़ के पूछा दिया सारी बातें और उसने कुछ बातें बयान किया कुछ नाम बयान किया किसने डाला क्या डाला वो सब हो गए और कैसा मारने वाला है क्या मारने वाला वो भी उसके मुंह से बयान किया उसने पूनम में कैसा हमला करने वाला था बीमारी वो बच्ची का कुछ तो भी छाती सीने में कुछ तो भी दर्द होता था दिल वो ब्लॉक करके कुछ तो भी मारने वाला था बोल रहा था कुछ होता था कि सीने में तकलीफ हाँ सीने में दर्द है डेली शाम को सीने में दर्द रहता है पेट में दर्द रहता है बेहोश हो जाता है दांत कपट लग जाता है गर्दन में यहाँ दर्द होता था उनका मतलब चेंज चेंज होता है वहां से दांत गड़ाकर खून पीता हूँ पिशाच नामक निशान भी मिलता है निशान भी मिलता है शरीर में किस चीज का निशान काला पीला काला अभी नीला काला अभी नहीं तो वो उसके दांत गड़ाकर खून पीता हुआ खून पी के वो सब ऐसा कमजोर करा करा के खत्म करता हूँ बोल रहा था ना उसमें बयान है उसमें सब तो इस वास्ते खैर मीन क्या बोलूं मैं सारे दास्तान बातें दुआ मुमीन का हथियार है दुआ याद करना हर चीज की बात की रस्सी को मजबूती से थामना और दुआ हिंदू मुसलमान सिख हर कोई याद कर सकता सबके अस्तित्व रहे सब पढ़ के सब उससे फैज ले सकते हैं सबके वास्ते ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा कुछ मिली वो हमें पढ़िए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर अल्लाह ने भेजा सारे आलम के लिए रहमत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर जात वाला दुआ याद कर सकता पढ़ सकता और महफूज रह सकता तुम्हारी हिफाजत होती है उससे पढ़िए करिए तो तरीकों से हर चीज़ की दुआएँ याद करना और बाकी ऐसा एक दूसरे के ऊपर नहीं करना ये बहुत गलत बातें हैं किसी की जिंदगी बर्बाद करके क्या फायदा किसी की जिंदगी लेके क्या मतलब दूसरे के वास्ते खड्डा खोदिए खुद भी खड्डे में गिरेंगे ये गलत बात है बहुत गलत जलाना सदा करके कर रहे अब वो कहाँ से आए वो लोग आसाम से कहीं जरूरी इससे पहले उन्होंने बोल रहे कहीं जगह बताए मगर कहीं पर भी हाजिर नहीं हुआ कहीं पर भी सवाल जवाब नहीं है सवाल जवाब यहाँ यहाँ सवाल जवाब करना ही पड़ता अगर शैतान ने नहीं करा तो फिर उसके काट के टुकड़े करा देते फिर और उसको भस्म करा देते उसकी मनमानियाँ चल रहे उसके बाप का राज है क्या लोगों के आंगन घुसके सताना किसी को मगर वो शैतान जिन्नातों की भी दुनिया के कुछ रूल से वो भी खुद से खुद बहुत नहीं आते कैसा लास्ट में बोला उन्होंने कौन ने डाली क्या डाली नामा लेके सब तो ऐसी दास्तान रहती बोलने को तो बहुत कुछ है खैर चलो इतना काफी बोला मैं तो समझने के लिए ठीक है।